नमस्कार, सिंगरौली लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नम्रता सिंह आपके साथ। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। जय हिंद, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले के NH 75 पर, और एक ऐसा नेशनल हाईवे जिसकी उम्मीद में आज लगभग कई वर्ष गुजर चुके हैं। आज तक ये सड़कें वैसी ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि सड़कों से ही सारे शहरों का, सारे गांवों का विकास होता है। सड़कें ही वो मूल कारण होती हैं जहां पर व्यापार व्यवसाय सब फलते फूलते हैं, आम जनमानस की भी तरक्की होती है। लेकिन सिंगरौली का ऐसा दुर्भाग्य है कि जहां पर सड़कों की ही सबसे बड़ी समस्या मौजूद है। हमारे पीछे ख़राब सड़कें आप साफ साफ तौर पर देख सकते हैं। ये सड़कें सिंगरौली की मेन रोड की हैं, और यही सड़कें आपके रीवा को भी जाती है, और यही सड़कें वाराणसी को भी जोड़ती हैं। लेकिन सदियों से, वर्षों से यहाँ पर ये सड़कों की गंभीर स्थिति बनी है, लेकिन अभी तक इस पर किसी की भी नज़र नहीं जा रही है। सड़कों की समस्या को लेकर के सिंगरौली ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश सिंह जी से विषय में चर्चा करेंगे और उनसे जुड़ेंगे कि क्या सड़कों की ही सबसे बड़ी मूल समस्या है या कुछ और समस्याएं आ रही हैं। तो आज हम राजेश जी से जुड़ेंगे और सड़कों पर बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या मंशा है, क्योंकि वो मोटर मालिक हैं, और NGT की क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या NGT की गाइडलाइंस हैं। इन सभी विषयों पर आज हम राजेश सिंह जी के साथ चर्चा में जुड़ेंगे। ऐसा क्या, आखिर समस्या क्या है? क्या ख़राब सड़कें या कोल ट्रांसपोर्टेशन या क्या प्रॉब्लम क्या जा रही है? इस क्षेत्र में सबसे मूल व्यवसाय ट्रक का व्यवसाय है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र की जितनी भी अर्थव्यवस्था चल रही है, चाहे वह बाज़ार के दुकानों की व्यवस्था हो, चाहे वो NCL का व्यापार हो, सबका सबसे बड़ा अगर योगदान है तो वो ट्रक का है। और आज ट्रक की स्थिति ये हो गई है कि पूरे क्षेत्र में कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बात नहीं करता है। हम जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं, सड़क सुरक्षा की मीटिंग में जाते हैं, या जिला प्रशासन की तरफ से जो मीटिंग कॉल किया जाता है, चूँकि हमें गर्व भी होता है कि हम इस क्षेत्र के सबसे बड़े रेवेन्यू जनरेटर भी हैं और सबसे बड़े नौकरी देने वाले भी हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में नौकरी देने का सबसे ज़्यादा अगर श्रेय जाता है तो सिर्फ़ और सिर्फ मोटर मार्केट और मोटर लाइन को ही जाता है। और हम जिस एसोसिएशन को लीड करते हैं, उस एसोसिएशन में लगभग 10,000 ट्रकें चलती हैं, और सिंगरौली और सोनभद्र ज़िले का सबसे बड़ा व्यवसाय है, और हम उसे लीड कर रहे हैं। और इतनी समस्याएं आज के समय में आ रही हैं, आपको बता दें कि जब भी कोई बेरोजगार इस क्षेत्र में रोज़गार खोजता है तो वह उसको सिर्फ एक ट्रक का ही व्यवसाय दिखता है, और उसको देख कर उस रोज़गार को वह आगे करता है और अपनी बेरोजगारी दूर करता है, अपने बच्चों का परवरिश करता है। लेकिन गवर्नमेंट इतनी बड़ी व्यवस्थाओं में पता नहीं क्यों उन लोगों के लिए कोई सुझाव नहीं देती है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं देती है। और जिसके जिम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं और यहाँ के NCL के आला अफसर भी हैं, हम बार बार उनसे यही कहते हैं कि आप हर मुद्दे पे बात करिए, लेकिन प्रमुख मुद्दा यहाँ का पर्यावरण है। पर्यावरण की रक्षा करना हर आदमी का कर्तव्य है, लेकिन हम उसके साथ साथ अपने परिवार की भी रक्षा करें, अपने व्यवसाय की भी रक्षा करें, और अच्छे पर्यावरण में हम अच्छा कार्य करें। लेकिन आपको मैं बता दूं, पिछले सप्ताह मीटिंग हुई थी एक ज़िले में, जिसमें लगभग पार्षद से लेकर सांसद तक और सिपाही से लेकर कलेक्टर और SP साहब तक सभी लोग मौजूद थे। वहाँ MPRDC के GM लोग भी थे और RTO विभाग भी था। वहाँ हमारी बातें हुई और वहाँ सिर्फ गाड़ी वालों को धमकियाँ दी गई, उनको नियम कायदे कानून बताया गया, उन्हें बार बार विवश किया जा रहा है कि आप गवर्नमेंट की रेवेन्यू को जमा करें। अरे, हम रेवेन्यू तो दे ही रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें, शायद जानकारी लोगों को नहीं होगी कि देश में आज के समय में सबसे बड़ा अगर रेवेन्यू कहीं से मिलता है तो वो ट्रक से मिलता है। क्योंकि अगर हम कोई 35 लाख की ट्रक खरीदते हैं, उसमें 49% सीधा गवर्नमेंट को टैक्स हमारा जाता है, चाहे वो GST के माध्यम से जाए या वो सेस टैक्स के माध्यम से जाए। और अगर हम जो डीजल उपयोग कर रहे हैं मुख्यतः, उसमें आपको भी पता है कि आज देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान डीजल के टैक्स का है, और उसके सबसे बड़े कंज्यूमर कहीं ना कहीं हम लोग हैं। और हम जो ट्रक में टायर यूज कर रहे हैं, हमारा मेन रॉ मटेरियल डीजल और टायर है। टायर का GST आज के डेट में 28% और 18% है, वो हम गवर्नमेंट को सीधा देते हैं। हम RTO विभाग को, आपको बताएं, 11,000 रुपये प्रति ट्रक प्रति तिमाही
रोड टैक्स देते हैं, और जब हम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस समय भी हम 7% गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का टैक्स देते हैं। इसके बावजूद हमें बदले में गवर्नमेंट कोई सुविधा नहीं देती है, और हर चौराहे पे हर गली में सिर्फ हमें कोसा जा रहा है। हम इतने बड़े व्यवसाय को आज आयाम दे रहे हैं, आज देश की अर्थव्यवस्था में सबसे लंबे कदम में चल रहे हैं, लेकिन हमारी व्यवस्थाओं को सुनने वाला देखने वाला न कोई जनप्रतिनिधि है न ही कोई अधिकारी है। सर, ये पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, व्यवसाय और व्यापार भी सुरक्षित रहे, आम जनमानस भी सुरक्षित रहे, कोई ऐसा सटीक समाधान आपको दिखाई देता है? इसका सबसे सटीक और अच्छा समाधान सड़क है। जिस दिन सड़क बन जाएगी इस क्षेत्र में, मैं आपको बता रहा हूं और दावे के साथ कहता हूं, अपने यूनियन की तरफ से मैं लिख के देना चाहता हूं आपको कि सड़क बनने के बाद यहां की 70% पर्यावरण की समस्या खत्म हो जाएगी। आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ 4-लेन सड़कें हैं यहाँ से ज़्यादा आवागमन वहाँ है, लेकिन वहाँ किसी भी तरह की हिल्ड्रेंस नहीं है, ना एक्सीडेंट की प्रॉब्लम है। आप हाथी नाला से बनारस की तरफ जाइए, वहाँ 3 स्टेट की ट्रांसपोर्टिंग चलती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड की गाड़ियाँ सभी कोयला लेके बनारस जाती हैं, लेकिन आप वहाँ बड़े आराम से रोड के किनारे ढाबा होटल में बैठ के अपने परिवार के साथ भोजन करते हैं, आपको किसी तरह की समस्या नहीं आती है। लेकिन यहाँ सड़क ही नहीं है। मैं आपको बता दूँ, देश की आज़ादी के बाद सिंगरौली क्षेत्र में आज तक सड़क के ऊपर किसी ने न राजनीति की, न सड़क के ऊपर किसी ने विचार किया। NCL 17 मिलियन टन की कंपनी आज 103-104 मिलियन टन का उत्पादन कर रही है, लेकिन वह पूरी व्यवस्थाएं थोपती है यहाँ के जिला सरकार को और जिला प्रशासन को। और आपको बता दें कि जितना भी DMF का फंड है, लगभग मुझे जो जानकारी है 140-145 रुपये प्रति टन, अगर आप 103 मिलियन टन में डिवाइड करेंगे 140-145 रुपये प्रति टन, तो वो कई 100 करोड़, कई 1000 करोड़ होता है, और जो हर साल रेवेन्यू DMF के नाम पे सरकार को दिया जा रहा है, और वो पैसा कहीं ना कहीं नेताओं के बंदरबाट में ख़त्म हो जाता है, और जिसका परिणाम है कि यहाँ की जितनी भी जनता है उनको बरगलाया जा रहा है कि ट्रकों से ये समस्या हो रही है। अभी आपको बताएं कि पिछले महीने NGT के राजेश कुमार जी आए थे, और मुझे कहीं से पता चला, हम भी उस मीटिंग में शामिल हुए। उस मीटिंग में जब तक मैं नहीं गया था, उनके सामने जो भी विजुअल रखे गए वो सिर्फ ट्रकों के रखे गए, सड़कों का कोई विजुअल उनको नहीं दिया गया। मुझसे ये गलती ज़रूर हुई कि मैंने सड़क का विजुअल उनके सामने नहीं पेश किया, और मैं सीधा अपने आवेदन को ले जाके उनसे रिसीव कराया और उनसे बात की कि सर, आप अगर यहाँ आते हैं तो बिना NCL NTPC को बताए आइए, बिना आप किसी जानने वाले को बताए आइए, और पहले आप सड़कों पर घूमिए, यहाँ की मूल समस्याओं को समझिए। अगर रोज़गार ही नहीं होगा तो हम अच्छे पर्यावरण की ही अपेक्षा करके क्या करेंगे? ये बताइए कि क्या हिमालय में अच्छा पर्यावरण है तो रोज़गार की ज़रूरत वहाँ नहीं है क्या? तो वैसे ही यहाँ के रोज़गार को आप सृजन करते हुए अच्छे पर्यावरण के लिए, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार अच्छे पर्यावरण में रहे। हम पर्यावरण के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन साथ में यहाँ के उद्योग घरानों के लिए जो हमारी अपनी लाइबिलिटी है, हम उसको पूरा कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत से यहाँ के उद्योग को चलवा रहे हैं, तो हमारे प्रति भी सरकार की कहीं ना कहीं दायित्व है कि हमें सुरक्षा प्रदान करे, सड़क प्रदान करे। मैं आपको बताऊं, मैं अभी एक PIL लगाने जा रहा हूं। उस PIL में मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि सभी ट्रक ऑनरों को मैं उसमें ले आऊं, और उसमें मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि मैं सरकार से पिछले 15 साल का हिसाब मांगूंगा, और मैं उसमें पूछूंगा कि सरकार जो 15 साल में हमसे टैक्स ली है, वह टैक्स का पैसा कहाँ गया? जो हम RTO को टैक्स देते हैं हर क्वार्टर, वो हम सड़क बनाने के लिए देते हैं, लेकिन वह पैसा कहाँ जा रहा है, किस मद में खर्च हो रहा है, इसकी जानकारी हमें कोर्ट के माध्यम से चाहिए। और नहीं तो सरकार अगर असमर्थ है तो वो पूरा 15 साल का जो टैक्स का हमारा पैसा होता वो हमें वापस करे, हम उस पैसे के चंदे से यहाँ की सड़क बनवा देंगे। सर, यदि बात की जाए, NGT के कई गाइडलाइंस आ रहे हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालने का। हम आपको बता दें, ये जो भी NGT ने अभी 2 लाइन लिख के दिया है कि ट्रकों के ऊपर लोहे के कवर्ड
सिस्टम लगाए जाएं। ये आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में देख लीजिए, कोयले सेक्टर में कहीं भी ये पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसी कोई व्यवस्था है तो आप एनजीटी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमें अवेयर करें, हमारे ट्रक मालिकों को अवेयर करें, और जिस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं उस कंपनी से हमें प्रथम वित्तीय सहायता प्राप्त करवाएं, क्योंकि आज हमारी यह स्थिति नहीं है कि हम अपनी गाड़ियों की किस्त दे पाएँ सिर्फ सड़क की वजह से। और आप एक और बोझ हमको 1.5-2 लाख रुपए का अगर डाल रहे हैं तो प्रथम व्यवस्था हमें वित्तीय सहायता की व्यवस्था प्रदान कराएं, फिर हम हर चीज़ों को मानने को तैयार हैं। क्योंकि जब वो कहते हैं तिरपाल लगाने के लिए हम तिरपाल लगाते हैं, वो कहते हैं रिफ्लेक्टर लगाने के लिए हम रिफ्लेक्टर लगाते हैं, हम ट्रेन ड्राइवर देते हैं, हर व्यवस्थाएँ हम कर रहे हैं, लेकिन बार बार कटघरे में हमें ही क्यों खड़ा किया जा रहा है। आप आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि आखिरी वो कौन सी प्रतिक्रिया होगी आपकी ओर से जी जो आप करेंगे? हमारी प्रतिक्रिया सिर्फ और सिर्फ रोड की डिमांड है। मैं आपको बता दूं, मेरा प्रयास ये है कि नवरात्र में मैं एक दिन पूरे बाजार में कैंडल मार्च रोड के नाम पे मैं एक शोक संदेश समाज को देना चाहता हूँ कि समाज अवेयर हो, वह हमारे साथ आए। रोड की डिमांड में फ़ायदा मेरा ही सिर्फ नहीं है, ये पूरे समाज का फ़ायदा है। आज आप बाज़ार में घूम रहे हैं, देख रहे हैं व्यवसाय बैठ गया है, व्यवसायी सर पर हाथ रख के सुबह से शाम तक अपनी दुकान पे बैठा है, उसकी दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहा है। उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं अगर है तो यहाँ की खस्ता हालत सड़क है। अगर जिस दिन यहाँ की सड़क बन जाती है सारी यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत सुपर हो जाएंगी। आपको बता दें बनारस से रीवा के बीच में कोई भी इतना सुंदर मोटर मार्केट नहीं है जो सिंगरौली था, लेकिन सिंगरौली को उजाड़ दिया गया। आप देख रहे होंगे 3-4 दिन से यहाँ मेडिकल कॉलेज की एक लिस्टिंग हुई है जिसमें सिंगरौली ज़िले का भी नाम है, और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि बताइए मेडिकल सुविधाओं की लिस्टिंग के नाम पर यहाँ के पार्षद से लेकर सांसद तक होड़ मची हुई है आपस में कि इसका श्रेय कौन लेगा। लेकिन मैं उन सभी लोगों से, जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा कर रहा हूं कि कम से कम आप सड़क के मुद्दे पर भी एक अपना बात बोलें, सड़क के मुद्दे पे आप सामने आएं और ये बताएं कि आखिर ये सड़क आज जर्जर हालत में है, इसका जिम्मेदार कौन है, यह श्रेय किसको जाता है। यह श्रेय कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जाता है। आज के समय में जिस हिसाब से देश की राजनीति चल रही है, मुझे नहीं लगता है कि 70-80 किलोमीटर की सड़क बनवाने के लिए सांसद से ज़्यादा किसी की ज़रूरत है। लेकिन उस दिन की मीटिंग में मुझे ऐसा लगा कि अब यहाँ या तो मुख्यमंत्री महोदय आएंगे या तो प्रधानमंत्री महोदय आएंगे तभी सिंगरौली की सड़क बनेगी, अन्यथा यह समस्या नहीं खत्म होगी। सर, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।